के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर निशाना साधते हुए उसकी नीतियों और भगवा पार्टी की राजनीति पर सवाल उठाया। उन्होंने भाजपा पर देश में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को नष्ट करने का आरोप लगाया। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा को अभी भी समाजवाद को समझने की जरूरत है। इस बार लड़ाई न केवल राज्य को बचाने की है बल्कि लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को बचाने की भी है। भाजपा इन पर हमला कर रही है और संस्थानों को नष्ट कर रही है। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी नेता शिवपाल सिंह यादव की प्रशंसा की। अखिलेश यादव ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए जिन्होंने कहा कि सीएम को अपने चाचा के लिए बहुत चिंता है, वरिष्ठ नेता के लिए आदित्यनाथ की प्रशंसा के एक दिन बाद उन्होंने ईमानदार और मेहनती होने के लिए सीएम की प्रशंसा की। शिवपाल जो सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई हैं ने पहले आजम खान के मुद्दे और पार्टी के भीतर की घटनाओं को लेकर सपा अध्यक्ष पर कटाक्ष किया था, जिससे उनके विपक्षी समूह से बाहर होने की अटकलें तेज हो गई थी। शिवपाल यादव ने शपथ ग्रहण में देरी की थी और आदित्यनाथ से मिलने मुख्यमंत्री के बंगले में गए थे। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ को भी फॉलो करना शुरू कर दिया, जो भाजपा के साथ उनकी बढ़ती नज़दीकियों का संकेत देते हैं। अखिलेश यादव ने कहा था कि बीजेपी से मिलने वाले लोग समाजवादी पार्टी में नहीं रह सकते हैं। हाल के दिनों में अखिलेश यादव और शिवपाल के बीच तल्खी और बढ़ी है। हाल ही में जब आजम खान की जेल से रिहाई हुई तो एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कुछ सवाल तो आप लोगों को अखिलेश यादव से भी पूछने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।